करने के लिए आप होता है। तो हम घोड़ी कबूतरी का सहारा लेकर आए हो। काम ताहर चौहान है मलखान, देख मैं घोड़ी कबूतरी के नीचे आप पहुंचाऊं। अब बोल क्या जाता है मलखान? भैया धांधो, मैं आपसे जम नहीं लड़ना चाहता हूं। ये क्यों? मैं आपसे नहीं लड़ना चाहता भैया, आप मेरे सामने से जा सकते हैं। मैं जाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आप तुम्हारा सर काट के जाऊंगा। आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूं। क्या कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं? लेकिन मलखान सिंह, क्या मैं उससे भाई नहीं था जिस दिन मेरी शादी नैनागढ़ से हो रही थी और कढ़ाई में खाते हुए तेल में परीक्षा मैंने दिया था और मेरा सबसे मान उतार कर शादी तुमने अपने बड़े भाई आल्हा के करवाया था। आज मैं तुम्हारा सर काट के जाऊंगा। बड़े भैया धांधो, यह तो सच है कि उस समय कढ़ाई में कूद कर शर्त तो आपने पूरी की थी, लेकिन बड़े भैया हमारे परिवार में आल्हा भैया से बड़ा कौन है? जवाब दो मुझे। आहा, और भाभी मछला आल्हा भैया को बहुत प्यार करते थे, उनके पर्सन आल्हा भैया ही थे। जबरदस्ती शादी करवाया था आल्हा की, आज तो सब पान के बदले में जरूर चुकाऊंगा। बड़े भैया, हमारे परिवार में सबसे बड़े आल्हा दादा थे, इसलिए उनके शादी होना जरूरी था। ये सोचिए कि छोटे की शादी हो जाए और बड़ा कुंवारा रह जाए, ये कैसे हो सकता भैया? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, आज तुम्हारा सर काट के जाऊंगा। ठीक है बड़े भैया, समझ गया अच्छी तरह से कि आप पृथ्वीराज के यहाँ नौकरी करते हैं, उनका नमक खाते हैं और पृथ्वीराज का नमक अदा करेंगे। आज कितने साल हो गए जब मैं निकाला गया था, आज आप लोगों के दरवाजे गया, आज किसी ने कूद पानी देने से इनकार किया, आज मैं पृथ्वीराज महाराज के यहाँ रहता हूँ। मैं वफादारी करूंगा, नमक हराम ही नहीं करूंगा। ठीक है मेरा भैया, अगर अच्छी बात है तो कोई बात नहीं है। भैया आखिर ये बात क्या है? ठीक है, जाओ, मैं जा रहा हूं। धांधो को क्यों रोका गया? वो तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे सामने अगर वो मर जाता तो तुमको दिल में बहुत खटक होती और शायद तुम मर जाते तो उसके दिल में हमेशा। इसका मतलब इसलिए आज मेरे हाथों से तू मरना चाहता है। पैर के जूते निकाल दो। ये बात है, पैर के जूते। हाँ, क्या मालिक, आज क्या बात है?
आदमी हाजिर के तरफ से 10 रुपया हमें अलाउंस के लिए मिले जो हमारे दिल में तमन्ना थी पूरी हो गई। कौन ये वही साल है जो मलखान के पदों को पार करके निकल गई। एक जरूरी बात है, उसकी जरूरी बात है। मलखान की लाश धोनी कंपनी ने अपने किला की तरफ जा रही है, उसको बंदोबस्त किया जाए। बंदोबस्त किया जाए, क्या देख रहे हो? मैं इस कमीने की कौन जान ले लूंगा आज। आखिर मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये हमारे दुश्मन का बेटा है, आज यहीं से हम लड़ाई समाप्त कर देंगे। अगर तुम इसे मार दोगे तो हमारी तुम्हारी लड़ाई इसी जगह पर से समाप्त हो जाएगी, इसलिए मैं कोचा फैलाकर अपने बेटे की भीख तुमसे मांगती हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। वो कौन सी शर्त है? शर्त यही है कि 500 घाट पर हमारा पहरा है, हमारे बिना आर्डर के कफन की मखान की लाश कफन दफन नहीं करा सकते हो। लेकिन मेरी भी यही शर्त है। जिस दिन मेरी भुजाओं में ताकत हो जाएगी और दिन अपने स्वामी की लाश लेकर सती हो जाएगी। तारा किस्मत